हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा इजी। आज की इस लेक्चर वीडियो में हम जानेंगे इम्यूनिटी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। इम्यूनिटी हम सब जानते हैं इसके बारे में, एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिजीजेस। ये हमारी बॉडी की एबिलिटी यानी कि क्षमता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखने की फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीजेस। हमारी बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करके रखती है ताकि जो बैक्टीरिया वायरस, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी पे अटैक ना कर पाए, और हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करके रखती है ताकि हमें कोई डिजीज ना हो पाए। बॉडी की इस कैपेबिलिटी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी हमारी बॉडी प्रोटेक्टेड रहेगी फ्रॉम बैक्टीरियल और वायरस अटैक, और इम्यूनिटी जितनी वीक होगी उतने ये जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारी बॉडी पे इजीली अटैक कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें रिकमेंड किया जाता है कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ओके, सो इसके लिए एग्जांपल हम लेते हैं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल, कोविड, राइट। कोरोना वायरस इज देयर नाउ। वायरस मींस डिजीज कॉजिंग वायरस, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या था? वो हमारी बॉडी पे अटैक करके हमें बीमार कर रहा था। कुछ लोग थे जिनमें वो कोविड पॉजिटिव, मींस वो कोविड कोरोना वायरस ने अटैक किया और उन्हें अफेक्ट किया, बट कुछ लोग थे जो इस चीज़ से प्रोटेक्टेड रहे। तो रीज़न बिहाइंड दैट इज इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। कुछ लोग थे जिनका इम्यून सिस्टम वीक था तो उस वायरस ने इजीली उन पे अटैक कर दिया, और कुछ लोग थे जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था उन पे इस वायरस ने इजीली अटैक नहीं कर पाया ये वायरस। तो ये होती है इम्यूनिटी। इसे हम लोग बोलते हैं डिफेंस एक्शन ऑफ द बॉडी आल्सो। डिफेंस मींस बचाना, बचाव करना। इम्यूनिटी हमारी बॉडी को बचा के रखती है फ्रॉम डिजीजेस। सो अब बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करती है? सपोज करो कोई वायरस हमारी बॉडी पे अटैक कर रहा है, अब बॉडी हमें प्रोटेक्ट कैसे करेगी? तो बॉडी में डिफरेंट सेल्स होते हैं जो जो कि उस फॉरेन वायरस जो कि हमारी बॉडी पे अटैक करने वाला है उसके साथ फाइट करते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं इम्यून सेल्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, बी सेल्स, टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, इजोनोफिल्स, बेजोफिल्स, ऑल दीज आर इम्यून सेल्स जो कि कोलेक्टिवली काम करते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इट इज़ ऑफ बेसिकली टू टाइप, वन इज नेचुरल इम्यूनिटी, अनदर वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, सो नेचुरल इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज इनेट इम्यूनिटी और नेटिव इम्यूनिटी। Acquired immunity is also known as adaptive immunity. अब ये जो adaptive immunity है ये further natural होती है, artificial होती है, further active, passive. तो इनको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले natural immunity. This immunity as the name indicate, natural. By birth ये person की body में होती है. So this immunity, ये immunity के पीछे की वजह क्या है? That is a genetic makeup of any पर्सन और इंडिविजुअल। तो नेचुरली जो बॉडी होती है, बॉडी मेकअप ही ऐसा होता है कि जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है वो बाय बर्थ होती है, कि कुछ डिजीजेज होते हैं जो पर्सन की बॉडी पे अटैक नहीं कर सकते, डिजीज नहीं कॉज कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअल्स जेनेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल और नेटिव इम्यूनिटी। और ये जो इम्यूनिटी है ये बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देती है, रैपिड रिस्पॉन्स टू माइक्रोब्स। अब ये दो टाइप्स की रहती है, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। सो नॉन स्पेसिफिक मीन्स ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया वायरस और पैथोजेंस, सबको, सबके अगेंस्ट जो एक्शन प्रोड्यूस करती है उसे बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये जितने भी हमारे जो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज हैं जो बाहर से हमारी बॉडी पे अटैक करने वाले हैं, जो एंटर करने की कोशिश करते हैं, इन्हें हम बोल सकते हैं फॉरेन एंटीजन्स। ओके,
फॉरेन मटेरियल है जो बाहर से एंटर कर रहा है बॉडी पे. तो जो नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है ये हर काइंड के पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकती है हमारी बॉडी पे अटैक करने से. अब कैसे? इसके लिए जनरली हमारी बॉडी में बैरियर्स हैं, लाइक स्किन बैरियर इज देयर विच डज नॉट अलो एनी थिंग टू एंटर इन अवर बॉडी थ्रू द स्किन. ओके, सो केमिकल्स लाइक स्टमक एसिड दैट इज गोइंग टू न्यूट्रलाइज एवरी थिंग दैट एंटर इन अवर बॉडी इन द GIT एंड द टीयर्स. टीयर्स जैसे आपको पता है कि आँख में अगर कुछ चला जाए तो ऑटोमेटिकली टीयर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं ताकि वो वॉश आउट होके हमारी आँख से बाहर निकल जाए. तो दीज आर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. ये ऐसे नहीं करते कि इस चीज़ को हमने बाहर निकालना है और इसको हमने रखना है. नो, वट एवर इज गोइंग टू एंटर इन द बॉडी this immunity is going to expel it out, okay, or neutralize it. So macrophages, neutrophils or dendritic cells, these are specially responsible for non-specific immunity. Now specific matlab sare pathogens pe attack nahi karte, kisi particular selective pathogenic microorganisms pe attack karte hain, specific, okay, not all pathogens but ओनली सिलेक्टिव पैथोजन्स. तो ये जो इम्यूनिटी है ये बाय बर्थ नहीं होती, विद टाइम ये पर्सन की बॉडी में प्रोड्यूस होती है. और WBC और टी सेल्स जो होते हैं ये जनरली रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर स्पेसिफिक इम्यूनिटी. अब ये जो नेचुरल इम्यूनिटी है दिस इज स्पेशली ऑफ थ्री टाइप्स, स्पीशीज इम्यूनिटी, रेशियल इम्यूनिटी एंड इंडिविजुअल इम्यूनिटी. ओके, तो स्पीशीज मीन्स रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी शोन बाय अ पर्टिकुलर स्पीशीज, और यू कैन से रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन शोन बाय अ पर्टिकुलर स्पीशीज. नाउ स्पीशीज, अब इसको आप एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे. लाइक कुछ डिजीजेज हैं जो ह्यूमन बींग्स को होते हैं, एनिमल्स को नहीं होते. कुछ डिजीजेज हैं जो ह्यूमन बींग्स को होते हैं, बर्ड्स को नहीं होते. ओके, सो मीन्स डिफरेंट स्पीशीज, ह्यूमन बींग इज अ डिफरेंट स्पीशीज, एनिमल डिफरेंट स्पीशीज, बर्ड्स आर डिफरेंट स्पीशीज. तो डिजीज वेरी कर रहे हैं फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. जैसे एंथ्रासिस, ये डिजीज ह्यूमन बींग्स में होता है बट चिकन के केस में वो नहीं होता. तो दिस मीन्स उनकी बॉडी इम्यूनाइज्ड है उस डिजीज के लिए बट ह्यूमन बींग इम्यूनाइज्ड नहीं है. सो ये डिजीज ह्यूमन बींग पे अटैक कर देता है बट चिकन पे अटैक नहीं कर सकता. सो इट इज नोन एज स्पीशीज इम्यूनिटी. ये बाय बर्थ है. ओके, जेनेटिक स्ट्रक्चर ही ऐसा है चिकन का और ह्यूमन बींग्स का कि ये डिजीज एक पे अटैक कर रहा है, दूसरे पे नहीं कर सकता. नो, नेक्स्ट इज रेशियल इम्यूनिटी. रेशियल इम्यूनिटी मीन्स एक ही स्पीशीज के अंदर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ इम्यूनिटी देखने को मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, हम किस स्पीशीज की बात करेंगे? ह्यूमन बींग. ओके, ह्यूमन बींग. अब अफ्रीकन पीपल जो है, अफ्रीकन जो लोग होते हैं उनमें मलेरिया होने के चांसेस कम रहते हैं एज कंपेयर टू एशियन और अमेरिकन पीपल. नाउ देखो, अफ्रीकन, एशियन, अमेरिकन ऑल आर ह्यूमन बींग्स, सो सेम स्पीशीज, बट उनकी बॉडी डिफरेंट डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस शो कर रही है, डिफरेंट इम्यूनिटी शो कर रही है. अफ्रीकन की बॉडी कुछ और रिस्पॉन्ड कर रही है, एशियन और अमेरिकन लोगों की बॉडी कुछ और रिस्पॉन्ड कर रही है. तो ये जो डिफरेंस है इन द इम्यूनिटी, दिस इज नोन एज रेशियल इम्यूनिटी. ओके, डिपेंडिंग ऑन द रीजन कि वो लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं और वहाँ का जैसा उनका लाइफस्टाइल है, डिपेंडिंग ओवर दैट उनकी बॉडी अलग से रिस्पॉन्ड कर रही है, दूसरे लोगों की बॉडी अलग से. दिस इज कॉल्ड रेशियल इम्यूनिटी. द थर्ड इज इंडिविजुअल इम्यूनिटी. नाउ स्पीशीज भी सेम है, रेसिस भी सेम है. मतलब स्पीशीज ह्यूमन बींग, रेसिस लेट अस सपोज एशियन पीपल. उन लोगों में फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इम्यूनिटी वेरी कर सकती है. ओके, आपने देखा होगा समटाइम कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं कि कोई डिजीज़ है वो सबको इफेक्ट कर रहा है, पर कोई एक पर्सन है उसकी बॉडी पे उस डिजीज़ का कोई फर्क ही नहीं आ रहा. सो दैट मीन्स उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट, उस डिजीज़ के अगेंस्ट इम्यून एक्शन शो कर रही है, उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रख रही है. रेसिस भी सेम है, स्पीशीज भी सेम है, बट फिर भी बॉडी टू बॉडी डिफरेंस आ रहा है इन द इम्यूनिटी, डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन. सो दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल इम्यूनिटी. तो ऐसे लोग जिनमें जेनेटिकली डेफिशिएंसी होती है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की,
वो उनमें मलेरिया होने के चांसेस कम रहते हैं एज कंपेयर टू अदर पीपल. ओके, सो नाउ नेचुरल इम्यूनिटी डन. अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हम ऑल्सो वी को नोन एज अडेप्टिव इम्यूनिटी. अडेप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी हम इसे जानते हैं. तो ये वो इम्यूनिटी है जो बाय बर्थ नहीं होती. नेचुरल इम्यूनिटी इज़ बाय बर्थ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ नॉट बाय बर्थ, बट ये टाइम के साथ पर्सन की बॉडी में प्रोड्यूस होती है. ओके, सो या तो पर्सन को एक बार डिजीज, एक बार एक पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया, उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट अब एक्टिव होगी, अब दोबारा इन फ्यूचर वो वायरस उस पर अटैक नहीं कर सकता. या हम क्या करेंगे, बाहर से एंटीबॉडीज पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं पर्सन की बॉडी में. तो इनको हम लोग समझते हैं एक एक करके. सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑफ टू टाइप, एक्टिव पैसिव. फर्दर इट इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल आर्टिफिशियल. इनको हम जब डिस्कस करेंगे तब आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे. तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड तो सबसे पहले बात समझ लेनी आपने कि ये बाय बर्थ नहीं है. ओके, सो विद टाइम ये पर्सन की बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है. सो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी मीन्स ये जो इम्यूनिटी है ये नेचुरल एक्सपोजर टू पैथोजेंस. मतलब आप इसको आप ज़्यादा अच्छे से समझोगे विद एग्जाम्पल. हमने जैसे सुन रखा है कि अगर किसी पर्सन को एक बार चिकन पॉक्स हो जाती है तो दोबारा उसे लाइफ टाइम इन फ्यूचर कभी भी चिकन पॉक्स नहीं होती. अब ऐसा क्यों? दैट इज कि एक बार, अब चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस. ओके, अब उस वायरस क्या है, अब वायरस क्या है, एंटीजन, जो बाहर से हमारी बॉडी पे अटैक कर रहा है. वो अटैक करेगा हमारी बॉडी में, वो डिजीज हो गई. अब हमारी बॉडी ने उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बना दी, एंटीबॉडीज बना के उसके साथ फाइट करी एंटीजन्स के साथ, और उन उसके इफेक्ट को खत्म कर दिया. अब हमारी बॉडी में उस डिजीज के अगेंस्ट क्या बन गई है, एंटीबॉडीज. सो इन फ्यूचर अगर वही वायरस दोबारा से अटैक करेगा तो उसका कोई इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं आएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में अब उसके अगेंस्ट क्या बन गई है, एंटीबॉडीज. ओके, सो दिस इज नेचुरल एक्सपोजर टू पैथोजेंस. और सेकेंड थिंग कि हम जो एंटीजेंस हैं वो खुद पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, हम उसे खुद देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन्स. ओके, सो फर्स्ट इज नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. नेचुरली एक्वायर्ड, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी चिकन पॉक्स की, कि पर्सन को एक बार वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्ट में आता है तो हमारी बॉडी उस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती है और हमें इन फ्यूचर वो डिजीज नहीं हो सकता. सो दिस इज नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी. नाउ आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, इट डज नॉट अकर नेचुरली. सबसे पहली बात, आर्टिफिशियल वर्ड है तो दैट मीन्स नेचुरली नहीं होगा. एंड सेकेंड थिंग, कुछ मैन मेड प्रोडक्ट होगा या सिंथेटिक प्रोडक्ट जिसको हमने खुद प्रिपेयर किया होगा. ओके, आर्टिफिशियल. सो ये जो इम्यूनिटी है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, हम पर्सन की बॉडी में वैक्सीन देते हैं, उसे इंजेक्ट करते हैं इन इंडिविजुअल और पेशेंट्स बॉडी. वैक्सीन क्या है, एंटीजन कंटेनिंग प्रोडक्ट. ओके, वैक्सीन जैसे ही बॉडी में जाती है ये बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देती है ताकि वो अब उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बना दे, एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज बना देगी तो अब वो एंटीजन दोबारा बॉडी पे अटैक कभी कर ही नहीं पाएगा, वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा. इसीलिए जब किसी चाइल्ड का बर्थ होता है तो इन द स्टार्टिंग 1 और 2 ईयर्स उसको डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन दी जाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, लाइक पोलियो वैक्सीन, टेटनस वैक्सीन, VCG वैक्सीन. तो ये वैक्सीन देने का पर्पज क्या है, ताकि उसकी बॉडी उन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एक्टिव हो जाए, इन फ्यूचर वो बीमारियां कभी उस बच्चे को ना हो पाएं. इसीलिए हम उसे क्या दे देते हैं, वैक्सीन. वैक्सीन देने से उसकी बॉडी में उन डिजीज़ेस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाती है और फिर इन फ्यूचर कभी वो बीमारी उस बच्चे को, उस पर्सन को नहीं होती. ओके, सो एग्जाम्पल, BCG वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस डिजीज. ओके, सो ऐसी टेटनस वैक्सीन इज ऑल्सो देयर, पोलियो वैक्सीन इज ऑल्सो देयर. सो नाउ अब ये हो गया एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. अब बात करते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के केस में जो पर्सन की बॉडी होती है वो इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो एंटीबॉडीज बना सके. ओके,
एक्टिव के केस में क्या था, हम एंटीजन दे रहे हैं बॉडी में, बॉडी खुद उस एंटीजन के अगेंस्ट क्या बना रही है, एंटीबॉडीज, दैट इज कॉल्ड एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बट पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के केस में क्या है, जो बॉडी है वो इतनी कैपेबल नहीं है कि वो एंटीबॉडीज बना सके। फिर हम इस केस में क्या करते हैं, हम बाहर से एंटीबॉडीज बना के पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब एंटीबॉडीज कहाँ प्रोड्यूस करते हैं आप? सो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए जनरली वी यूज एनिमल्स और वी कैन ऑल्सो यूज ह्यूमन सेल्स। ओके, तो एनिमल्स की बॉडी में हम क्या करते हैं, एंटीजन दे दिया। एंटीजन देने से एनिमल की बॉडी में क्या होगा, उसके अगेंस्ट क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडीज। अब उन एंटीबॉडीज को हम उनकी एनिमल की बॉडी से निकाल लेते हैं, एंटीबॉडीज को निकाल के उसको प्रोसेस करके एक प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उस एंटीबॉडीज का जो हमने प्रोडक्ट बनाया है, फिर हम उसको देते हैं अपने पेशेंट को, क्योंकि उसकी बॉडी, पेशेंट की बॉडी या उस पर्सन की बॉडी खुद वो एंटीबॉडीज नहीं बना सकती, तो हमें बाहर से वो इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती हैं। दिस इज कॉल्ड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, सो दिस इज ऑफ टू टाइप, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सो नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब इस केस में क्या है, देखो जनरली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अब जो प्रेगनेंसी के टाइम जो फीटस जो मदर की बॉडी में है, इन द मदर बॉम्ब, अब क्या होगा, अब फीटस की बॉडी अभी ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है, उसकी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर पाए। तो क्या होता है इस केस में, जो मदर है, मदर की बॉडी से जो एंटीबॉडीज हैं वो ट्रांसफर हो जाती हैं इनटू द फीटस ब्लड स्ट्रीम। ओके, अब देखो सेम पैसिव मींस फीटस, उस बेबी की जो बॉडी है वो खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो इसलिए मदर की बॉडी से जो एंटीबॉडीज हैं वो ट्रांसफर होके उसकी फीटस की बॉडी में चली जाती हैं। दिस इज कॉल्ड नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। अब नेचुरली मींस हम इसमें कुछ नहीं कर रहे, एंटीबॉडीज नेचुरली ही मदर की बॉडी से फीटस की बॉडी में ट्रांसफर हो रही है। ओके, सो एग्जाम्पल इम्यूनोग्लोबुलिन जी, जिसे हम बोलते हैं IgG, दिस इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। ओके, सो नेक्स्ट इज आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। नाउ दिस इज अ शॉर्ट टर्म इम्यूनाइजेशन। ओके, जिसमें हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज पेशेंट को देते हैं थ्रू इंजेक्शन। ओके, इस केस में क्या रहता है, जो पेशेंट की बॉडी है वो इतनी कैपेबल नहीं होती कि वो खुद एंटीबॉडीज बना सके, तो हमें ये एंटीबॉडीज बाहर से उसे प्रोवाइड करनी पड़ती है, गिवन फ्रॉम आउटसाइड थ्रू इंजेक्शन, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो एग्जाम्पल्स, एंटीटॉक्सिन्स, गामा ग्लोबुलिन्स आर देयर विच आर गिवन इन द इंजेक्शन फॉर्म फ्रॉम आउटसाइड। ओके, बिकॉज पेशेंट की बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है कि वो खुद एंटीबॉडीज बना सके, तो हमें आर्टिफिशियली बाहर से वो एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है। सो दिस इज नोन एज आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, इम्यूनिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन ऑल दीज कैटेगरीज ऑफ इम्यूनिटी इन द सिंपलेस्ट वे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। If you like this video, please like, hit the like button and share it with your friends. And please don't forget to subscribe our channel. Stay in loop. Thank you.